mind, I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and right on time. आज मैंने साक्षी को एक कॉम्प्लीमेंट दिया है, वो कॉम्प्लीमेंट है कि आपने अगर क्रिश्चियन वेडिंग देखी होगी तो उसमें जो न्यू ब्राइड होती है वो बिल्कुल ऐसी ही दिखती है। तो कैसी दिखती है, इधर देखो, तो गाउन वाउन, ये आज न्यू ब्राइड लेकर आया हूँ मैं, आज एकदम न्यू ब्राइड वाला फील आ रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ काले रंग का कोट पहन लेता हूँ तो मुझे भी न्यू बूम वाला फील आ रहा है। तो यहाँ नेटफ्लिक्स चल रहा है आज, न्यू ब्राइड बनकर एकदम नेटफ्लिक्स देखा जा रहा है। ये मैडम कहानी घर घर की मैं आती थी पहले, क्या है ये सीरीज के बारे में थोड़ा बता। ऐसा लग रहा है जैसे एक्सीडेंटल डेथ हुई है उसकी, लेकिन उसका मर्डर हुआ है, मर्डर मिस्ट्री है। इसका एक्सीडेंटल डेथ क्या है? ठीक, इसमें जो लीड एक्टर है उसकी, अच्छा लीड एक्टर का मर्डर हो जाता है और इसकी वाइफ है दिखाया उसको, वो उसकी मदर है जो इन्वेस्टिगेट कर रही है कि उसकी बेटी को किसने मारा, बेटे को किसने मारा, बेटी बेटी, अच्छा बेटी को मारा जाता है। कहानी जैसी है तो जिस पर विद्या बालन अपने हस्बैंड का करती है उसी टाइप का कुछ, लेकिन ये थोड़ा सा अलग। आप भी देखो और सही। ओके, जॉइन मी, जॉइन मी एंड जॉइन अस। साक्षी तो देख रही है नेटफ्लिक्स और मैं यहाँ बालकनी में खड़ा हूँ। मेरे को ज़्यादा फीलिंग लगा नहीं, बाद में देखूँगा। मैं जो शो के बारे में बताया फ्री टाइम है, अभी वर्किंग डे है तो आज बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं है, मीटिंग्स है काफ़ी सारी। तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ छोटे से घर का छोटा सा बालकनी और छोटे से बालकनी का छोटी सी गार्डन। साक्षी न्यू ब्राइड बन के बैठी है आज। आज साक्षी साक्षी ने सिंड्रेला बनी हुई है। ये सिर्फ इस गाउन की वजह से कह रही है, जो मैंने गाउन पहना है। तो मेरे पास तो खैर कोई ब्लैक कोट अभी है नहीं, जितने भी कोट थे सारे अंदर डाल दिए मैंने। तो मैंने ब्लैक टी शर्ट पहन ली है, तो मैं एटलीस्ट थोड़ा हाफ रूम लगूंगा मैं भी। तो ये देख लीजिए, सिंड्रेला के दर्शन करा देता हूँ मैं आपको, एक मिनट। जी आ गई हैं और ये बना के लाए हैं, इसे पिया जा रहा है। सिंड्रेला की स्टोरी क्या थी, क्या था उसका, मुझे नहीं मालूम। उसकी स्टेप मदर थी और उससे बहुत काम करवाती थी, तो उसे रात में एक फेरी आती है, उसे पूछती है कि आपकी मतलब उसकी क्या विश है। तो वो कुछ विश मांगती है शायद कि मुझे बाहर जाना है और किसी प्रिंस के यहाँ पे कोई पार्टी होती है वहाँ जाना है, उसके लिए सुंदर सा गाउन, हर एक वेजिटेबल को शायद वो गाउन में कन्वर्ट कर देती है, उसके सुंदर सी सैंडल बना देती है और अच्छे से उसको रेडी कर देती है। बस उसे ये कहती है कि 12 बजे से पहले आ जाना, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें अपनी जो ओरिजिनल चीज़ है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो ठीक है, वो पार्टी में जाती है, प्रिंस को वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, जितनी भी लड़कियाँ आती हैं उनमें सबसे सुंदर वही लगती है उसे, लेकिन शायद वो डांस भी कर रही होती है प्रिंस के साथ। जैसे ही 12 बजते हैं उसे याद आ जाता है कि ठीक है फेरी ने तो मुझे ऐसा कहा था, वो वापस भागती है, भागते भागते एक सैंडल उसकी निकल जाती है पैरों से, तो घर आ जाती है वापस। ठीक है, तो प्रिंस वो सैंडल रख लेता है,
घर आ जाती है फिर से नॉर्मल उसका वही रूटीन शुरू हो जाता है, घर में काम करना, उसकी स्टेप मदर उसको बहुत सारी बातें सुनाती है, दो स्टेप सिस्टर्स भी होती हैं, सारा काम वो उसी से करवाती हैं दोनों। फिर प्रिंस ढूंढता है कि सैंडल में किसके पैर फिट होंगे, मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, करते कराते फिर वो मिल जाती है, फिर प्रिंस शादी हो जाती है। तो जनता जानना चाहती है कि आपने गाउन पहना, तो आपको भी कोई फेरी मिली थी आज? नहीं, ये गाउन मैंने पिछले साल जब मैं ऋषिकेश गई थी तो लिया था, मुझे पापा ने दिलवाया। तो मैं समझ गया आगे की स्टोरी, मैं बताता हूँ इसकी। लास्ट ईयर साक्षी ऋषिकेश गई थी तो साक्षी को भी एक फेरी मिली, कहा कि आप ये गाउन खरीद दो, फिर आपका मतलब नीरज जी नाम के तो आपने क्या सैंडल लेके ढूंढा, मुझे ढूंढा नहीं तो? वो फेरी फिर मुझे मिल गई थी कि अच्छा। एक साल भर पहले मैंने एक गाउन दिलवाया है, तो मैंने कहा ये वाला कलर कॉम्बिनेशन का जो गाउन होगा, जिसके पास वो गाउन होगा मैं उसी से शादी करूँगा। तो ये देसी सिंड्रेला स्टोरी है, ये इसके जितने भी बताया गया सारी देसी स्टोरी है, ये हमने कुछ भी कॉपी नहीं करा है। तो ये है बेसिकली रहस्य। अच्छा, ने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी बताई सिंड्रेला के बारे में, बच्चे काफ़ी खुश होंगे ये वाली वीडियो देख के। अच्छा। तो मेरी तरफ है अभी कैमरा? यस, यू आर ऑन कैमरा। तो इन्होंने स्टोरी बताई, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप बच्चों को जरूर दिखाइएगा सिंड्रेला की स्टोरी, अच्छी लगी उन्हें। मुझे रपंजल की भी पता है। तो ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं करना हमें, तो ठीक है एंड कर लो। लेकिन मैं रपंजल की बताना चाहती हूँ, मैंने सेवन्थ स्टैंडर्ड में एक नॉवल ली थी, पहली नॉवल मेरी वही थी जो मैंने रपंजल की पढ़ी थी। तो रपंजल भाई सब की नॉवल आप भी पढ़िएगा। रपंजल एक उसका कैरेक्टर का नेम है, उसके इतने लंबे बाल होते हैं कि वो प्रिंस को अपने बालों से ऊपर मतलब फ्लोर पे जहाँ पे उसको बंद करके रखते हैं। तो साक्षी भी अब अपने बाल देखूंगी, ये बालों से ऊपर आएंगे। अब बाल से मैं तो नहीं, मैं सामान बांध दिया करूँगा नीचे से, तो बालों में खींच लेना। तो सबको बाय बाय कर दो, सबको हेल्दी लिविंग का, अच्छी लिविंग का, अच्छे से रहें आप। और मैं ये फिनिश करने वाली हूँ, गर्मियों में क्या क्या पीना चाहिए एक बारी वो बता दीजिए, इंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा वो भी होना चाहिए कि आपको पीना चाहिए, मतलब हाइड्रेटेड रहना चाहिए, पानी पी लो आप, पानी में आप बहुत सारी वेरिएंट पी सकते हो, नींबू पानी पी लो, टैंग पी लो, ग्लूकोंडी पियो और हाइड्रेटेड रहो, है ना, शेक्स पियो, जूसेस पियो बस। तो यहीं एंड करते हैं, सबको बाय बाय कर दो सिंड्रेला की तरफ से, सबको बाय बाय प्रिंस की तरफ, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी सरप्राइज। क्या सरप्राइज है वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, बस सरप्राइज है, बताया नहीं जाएगा।